तो आइए आज बनाते हैं हम झटपट बनने वाला टेस्टी और बहुत ही शानदार समा की राइस का मेदू वड़ा व्रत स्पेशल। तो ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही शानदार होता है और ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम खस्ता और सॉफ्ट है। देखिए इसकी आवाज़ हम देखते हैं तोड़ के, ये देखिए बहुत ही शानदार और लाजवाब है। और अंदर से हम तोड़ के देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम खस्ता है और ऊपर से क्रंची है। नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल CKR किचन में स्वागत करती हूँ। तो फिर हाजिर हूँ मैं एक रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं व्रत स्पेशल रेसिपी। तो व्रत के लिए हम बनाएंगे आज व्रत स्पेशल मेदू वड़ा, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही शानदार और टेस्टी है। तो उसके लिए हमने ये ले लिए हैं व्रत वाले चावल, जिसे समा के चावल कहते हैं, सामा भी कहते हैं, मोरधज भी कहा जाता है, बगर भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये व्रत के चावल होते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये हमने एक कप के करीब व्रत वाले चावल यानी कि समा राइस ले लिया है और इसको हमने साफ बिन लिया है पहले। कुछ अगर कंकर या कुछ हो तो हम निकाल लेंगे और इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एकदम हमें बारीक आटा बना लेना है, यानी कि बारीक पाउडर बना के इसको पीस लेंगे पहले हम। तो ये हमने समा के चावल को मिक्सर ग्राइंडर में एकदम पाउडर बना लिया है। तो इसको हमें मोटा मोटा नहीं पीसना है, बारीक पीसना है, एकदम पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये पीस के हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हमने कढ़ाई पे तो पानी में उबाल आ गया है। तो अब ये पिसा हुआ जो समा के चावल का आटा है वो हम एक हाथ से इसमें डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हम थोड़ा धीमा रखेंगे। तो एक हाथ से डालते जाएं, दूसरे हाथ से मिक्स करें ताकि लम्स ना हो। और ये पूरा जो समा राइस है उसका आटा हम इसमें डाल देंगे। गैस को कम रखेंगे और फटाफट से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए तुरंत ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल हम धीमे आंच पर इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए हिलाते हुए इसको पकाएंगे लगभग एक दो मिनट के लिए। तो ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो बस मिक्स करते हुए इसी तरीके से हिलाते हुए एक डेढ़ या दो मिनट इसको हम पका लेंगे। तो ये डेढ़ मिनट हमने इसको पका लिया है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, उतना ठंडा कि इसको हम हाथ लगा के और मैश कर सकें, उतना हमको इसको ठंडा करना है। तो हमने मेदू वड़ा के डो को थाली में निकाल लिया है ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तो हल्का सा हमारा जो डो है वो ठंडा हो गया, बिल्कुल भी हमें ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा कि हम उसको टच कर सकें। और ये एक चम्मच हम ले रहे हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर आप मूंगफली का ऑयल ले सकते हैं। और इस तरीके से ऑयल को हाथ में लेके और इसको हम अब आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से इसको बाइंड करना है, चिकना करना है, यानी कि ताकि एकदम स्मूथ हो जाएगा डो। तो मेदू वड़ा इसके अच्छे बनके तैयार होंगे। थोड़ा सा ऑयल का ड्रॉप और ले लेते हैं हाथ में और थोड़ा सा इसको और मसल लेंगे। तो इसको हमने एक दो मिनट के लिए ऑयल लगा लगा के थोड़ा सा इसको चिकना कर लिया है। लगभग दो छोटी चम्मच ऑयल का हमने इसमें यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना है, बस दो छोटी चम्मच ऑयल हमने एक दो बार लगाया है। और ये काफ़ी अच्छा स्मूथ डो हमारा मेदू वड़ा का लग के रेडी हो गया है। देखिए अब हम दोबारा से थोड़ा सा हाथ को ऑयल से चिकना कर लेते हैं ताकि मेदू वड़ा बनाने में ईजी रहे। और छोटा सा हम एक हिस्सा तोड़ेंगे, बस एक बड़े साइज का जो नींबू होता है उतना ही लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अगर आप बनाएंगे तो फिर उनको तलने में टाइम लगेगा और अंदर से फिर कच्चा रहने का भी चांस रहेगा। तो ये हमने ले लिया है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं।
तो छोटे छोटे मेदू वड़ा दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पहले डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, चिकनी लोई बना लेते हैं और फिर दोनों हथौलियों के बीच में रख के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से, और इसको साइड से घुमाते हुए थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे ताकि जो क्रैक्स है वो दिखे नहीं, और बीच में स्पेस बना लेंगे उंगली की सहायता से, इस तरीके से होल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा छोटा सा हमारा ये मेदू बड़ा बन गया है। तो इसी तरीके से सारे हमको बना लेने हैं, दोबारा से हाथ को चिकना कर लेंगे और उसी तरीके से छोटा सा डो का हिस्सा तोड़ लेते हैं और हाथ से उसको स्मूथ कर लेंगे। बहुत ही इजी है और बस हल्का सा दबा देंगे, प्रेस कर लेंगे और जो साइड है वहां से इस तरीके से घुमाएंगे तो वो भी स्मूथ हो जाएगा, जो क्रैक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और बीच में उंगली से होल बना लेंगे। तो ये हमारे बन गए दो मेदू वड़ा। तो फटाफट से सारे बना लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में मूंगफली का ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, तो बहुत ज्यादा धुआंदार भी गर्म नहीं करना है, मीडियम, जिस तरीके से सब्जी में तड़का लगाने के लिए हम ऑयल गर्म करते हैं उतना हमने कर लिया है। तो अब एक एक करके इसमें हम डाल देंगे, जितने आसानी से डीप फ्राई कर सके उतना ही कढ़ाई में डालना है हमको। तो एक बार में हम चार पीस डाल देते हैं और एक तरफ से इनको हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे और फिर इनको पलट देंगे। और गैस का जो फ्लेम है वो हमको मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इनको हमें डीप फ्राई करना है। तो इनको हमने लगभग 2.5-3 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर, तो अब इनको हम पलट देते हैं। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो जो मेदू बड़ा का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होता है, बिल्कुल लाइट हल्का सा ही गोल्डन कलर इसमें आना चाहिए, तो वही आपका जो मेदू बड़ा का परफेक्ट कलर होता है। तो इस तरफ से भी लगभग 2.5-3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे मेदू बड़ा को फ्राई होते हुए लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं, दोनों तरफ से हमने पलट पलट के इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक डीप फ्राई कर लिया है। तो अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निथार लेंगे साइड में, और ये देखिए हमारे एकदम शानदार क्रिस्पी और परफेक्ट व्रत वाले मेदू वड़ा बनके रेडी हैं। तो दूसरा बैच भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं, ऑयल अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी दूसरा बैच डालें। तो उसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर इनको दोनों तरफ से हमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए उतना फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से सारे मेदू वड़ा हम डीप फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो इनको भी एक तरफ से लाइट गोल्डन हो गए हैं, तो इनको भी हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 2.5-3 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने लाइट गोल्डन हो जाने तक इनको डीप फ्राई कर लिया है पलट पलट के। तो अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से थोड़ा जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो साइड में इन्हें ठहरा कर निकाल लेते हैं ताकि ये ऑयली ना हो, और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही कुरकुरे और अंदर से खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो फटाफट से सारे मेदू वड़ा हम डीप फ्राई करके रेडी कर लेते हैं इसी स्टेप से। तो ये हमारे व्रत स्पेशल समा के चावल के मेदू वड़ा बन के बिल्कुल रेडी है, इनको हमने सर्व कर दिया है। तो इनको आप दही के साथ खा सकते हैं, व्रत वाली हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं व्रत वाली, बहुत ही टेस्टी और शानदार लगते हैं और झटपट से बनके तैयार हो गए हैं। और देखिए दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ऊपर से बिल्कुल देखिए क्रिस्पी है, आवाज आप सुन सकते हैं एकदम क्रिस्पी है और हल्के से गर्म है ये अभी, और थोड़ा सा अब इनको तोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए एकदम क्रिस्प आवाज आ रही है तोड़ने पर, और अंदर से ये बिल्कुल खस्ता है, मुलायम है, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही अंदर से अच्छे तरीके से पक गए हैं और कितने शानदार लग रहे हैं दिखने में। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
और एक बार रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरीके की एक हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही शानदार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।